नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनजर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, एक बार फिर से उनको शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 8 बजे आप लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो, शाम को 5 बजे आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और रात को 8 बजे आप लोग सीजीजीएस के क्वेश्चंस कर रहे हो। कल आप लोगों को सीजीजीएस का रात को 8 बजे वाला वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि दिन भर ऑफिस में लाइट नहीं था, इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, और रिकॉर्ड हो भी गया था तो एडिट नहीं हो पाया था। तो वो वीडियो फिर से कंटिन्यू होकर आपको रात को 8 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ और सब्जेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं, और कल लाइव सेशन में मैंने बताया था कि सीजीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करवाया जाएगा। मतलब कंप्लीट सिलेबस को आने वाले सप्ताह में हम लोग वहाँ पर और नए सब्जेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला था कि 15 जनवरी तक के आपको करंट अफेयर को पढ़कर जाना है, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। और मैंने ये भी बोला था कि 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को मैं अपडेट करवा दूंगा, तो आज आपको 7 या 7:30 बजे के आसपास वो छत्तीसगढ़ वीकली करेंट अफेयर वाला जो हमारा सेशन चलता है, वो आप लोगों को आज 15 जनवरी तक अपडेट करवा के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो सारे अपडेट करवा के आज आपको वीडियो मिल जाएगा। एक बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कि 15 जनवरी के बाद तक के करेंट अफेयर को आप लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि नए करेंट अफेयर को आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, कहीं से भी आपको मिल रहा हो, आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को जो पढ़ोगे वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाने वाला। तो वो समय जो आप नए करंट अफेयर को पढ़ने में लगाओगे, उन चीज़ों को रिवाइज करने में वहाँ पर लगाइए। तो नए करंट अफेयर आप लोग 16 जनवरी से पढ़ना बंद कर देंगे, 15 जनवरी तक के करंट को अपडेट रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, और ये जो हमारा वीकली जो करंट अफेयर वाला सेशन चलता है छत्तीसगढ़ या नेशनल वाला, वो मैं आप लोगों को 9 फरवरी तक नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं बीच में करंट अफेयर अपडेट करवा भी देता हूँ कि ताकि बाद में आपको काम है, तो वहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं पढ़ ही लेते हैं, तो डिस्टर्ब हो गए, माइंड डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं 9 फरवरी तक अब आप लोगों को आज के बाद कोई वीकली करंट अफेयर नहीं दूंगा, और 9 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे मेंस के लिए और आने वाली रणनीति के लिए। तो इस बात को खासा ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी तक के करंट को अपडेट कर लीजिएगा, आज मैं आप लोगों को पूरा अपडेट करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए फटाफट आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज के मैं अपने सेशन में 2019 के कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ ना कुछ यहां से क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही। तो जितने भी टॉपिक्स को करवाऊंगा उन टॉपिक्स के आसपास बहुत ध्यान से कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, अरुण एक्सप्रेस या फिर हिमालय एक्सप्रेस? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 2019 के आखिरी के महीनों में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी, कहां से कहां तक? लखनऊ से आपका दिल्ली तक चलाया गया था, और इस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने दिखाई थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था? तो इस ट्रेन का नाम था तेजस एक्सप्रेस। ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, और भारतीय रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय में पूरे देश भर में लगभग 150 से अधिक प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? रेलवे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, रेलवे को घाटे से बाहर निकालने के लिए इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान रबी फसलों के लिए गेहूँ पर कितने रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है? ये बात कब के लिए किया जा रहा है? रबी वर्ष 2019 और 20 के लिए इस पर गेहूं में कितने रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने 85 रुपीज़, 90 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ या फिर 110। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 85 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है भारत सरकार की तरफ से। पहले कितना था गेहूं पर समर्थन मूल्य? 1840 रुपए पर क्विंटल था, इसमें 85 रुपए की वृद्धि कर दी गई, तो गेहूं का समर्थन मूल्य कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपका 1925 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से 2019 और 20 के लिए रवि वर्ष, यहाँ पर आपका गेहूँ का समर्थन
समर्थन मूल्य रखा गया है। तो ये फाइनल अमाउंट भी याद रखिएगा, 1925 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा और 85 रुपये की वृद्धि की गई है, इस बात को भी यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 10 या फिर ऑप्शन डी है 8। हाल ही में बैंकों की एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर बैंकों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का फैसला लिया गया है। और ये जो 10 बैंक हैं ये सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। और ये बैंक किस प्रकार से हैं, कौन से बैंक में किसको मर्ज किया जाएगा, किस तरह से 10 बैंक 4 बैंक बनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जिस प्रकार से इसकी स्थिति बदलेगी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में किसको किसको मिलाया जा रहा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद कैनरा बैंक में मिलाया जाएगा सिंडिकेट बैंक को। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जाएगा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को। और इसके अलावा इंडियन बैंक में मिलाया जाएगा इलाहाबाद बैंक को। तो इस तरह से 10 जो बैंक हैं उन 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाया जाएगा। और इसके बाद जो बैंकों की स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। और ये भी आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2018 में ही केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा किया गया था विजया बैंक और देना बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देश की तीसरे सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन चुकी है। तो इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत का विकास दर निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन सुन लीजिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है 7.1%, 7.2%, 6.9% या फिर डी 5%। अब यहां पर देखिए, आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, बहुत सारे डेटा पढ़ा होगा। जब आप अप्रैल का डेटा पढ़े होंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.6% इंडिया का ग्रोथ रेट तय किया था। उसके बाद जून में कटौती हुआ, उसके बाद अगस्त में कटौती हुआ, अक्टूबर में कटौती हुआ, नवंबर में कटौती हुआ और फाइनल आकर दिसंबर में कटौती हुआ। ये सब के सब 2019 और 20 के ग्रोथ रेट का अनुमान है। तो जो फाइनल डेटा तैयार होता है, जो आखिरी बार कटौती किया गया है, वो आपका दिसंबर 2019 में किया गया है। और आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आपसे मैक्सिमम चांसेस हैं कि दिसंबर 2019 में जो कटौती किया गया कि भारत का ग्रोथ रेट कितना होने वाला है, आपसे परीक्षा में वही पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2019 में आरबीआई ने भारत का ग्रोथ रेट फिक्स किया है कम करके 5%। ठीक है, पहले कितना था, 6.1% पे आरबीआई कहता था कि भारत का ग्रोथ रेट होगा। कौन से वर्ष के लिए, इस वर्ष यानी कि इस वर्ष जब मैं बोल रहा हूँ तो 2019 और 20 की बात कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, अब फाइनल जो है आरबीआई का कहना है कि 2019 और 20 में भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 5% रहने वाला है। ये हो गई ग्रोथ रेट की बात। अब यहाँ पर आप लोग रेपो रेट भी याद रखिएगा, क्योंकि रेपो रेट से संबंधित हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें आरबीआई ने रेपो रेट से संबंधित किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया गया है और अभी भी रेपो रेट जो है 5.1% ही है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रेपो रेट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का। देखोगे आरबीआई की तरफ से ग्रोथ रेट कितना तय किया गया 2019-20 के लिए, वो याद रखिएगा और रेपो रेट को याद रखिएगा। ये दो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब यहां पर मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं क्या क्या, किन किन चीज़ों को आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करोगे वो यहाँ पर सुनिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि 2019 और 20 में आरबीआई के अनुसार ग्रोथ रेट भारत का क्या होने वाला है। आपको बताना है कि फाइनल संशोधन जो कि नवंबर दिसंबर में जो भी संशोधन आया है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार
इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, और इसके अलावा आपको बताना है मूडीज़ के अनुसार इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो डेटा संशोधित किया गया है उसके अनुसार भारत का ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है 2019-20 में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं और ख़ासकर ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके इसको कमेंट कीजिएगा क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है, तो इसको आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, खाली स्थान है बीच में 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। तो ये पूछा गया हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार भारत जो है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें डेटा जो यूज़ किया है 2018 का यूज़ किया है। 2017 में भारत जो है वो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 7वीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी, और अगर 2017 के आंकड़े के आधार पर पूछता तो वो आप 6वीं ले सकते थे, लेकिन हाल ही में पूछा गया है तो हाल ही का जो रिपोर्ट है वो 2018 के आंकड़ों पर आधारित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किस मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है, गूगल, फेसबुक, याहू या फिर बिटकॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और जब ये न्यूज़ में आया था तो बहुत चर्चा में भी रहा था। तो बताइए लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने का फैसला किसकी तरफ से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फेसबुक की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि फेसबुक एक क्रिप्टो करेंसी उतारेगा जिसका नाम होगा लिब्रा क्रिप्टो करेंसी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और फेसबुक ने ये कहा है कि इस क्रिप्टो करेंसी को 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। एक बात यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान रखना है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, और डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी होती है, बहुत सारी शंका भी रहता है मार्केट में, तो इसीलिए भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर प्रतिबंधित करने के लिए या फिर उसके रूल एंड रेगुलेशन में बदलाव लाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था, और उस कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में। क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लिब्रा क्रिप्टो करेंसी कौन लॉन्च करने वाला है, फेसबुक लॉन्च करने वाला है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामान्य प्राथमिकता प्रणाली यानी कि GSP, आप इसको कह सकते हो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट को खत्म करने का फैसला लिया है, कौन सा ये देश है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कैनेडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका ने हाल ही में भारत को दिए जाने वाले GSP सिस्टम के तहत जो छूट दिया जाता था, यानी कि भारत जो सामान अमेरिका में बेचता था उस सामान पर अमेरिका के तहत विशेष छूट दिया जाता था, और जिस प्रणाली के तहत में वो छूट दिया जाता था उसको हम लोग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि GSP कहते हैं। और ये अक्सर ना डेवलपिंग जितने भी कंट्री है ना जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना उनकी तरफ से डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है। तो अमेरिका जिस GSP के तहत में भारत को छूट देता था उसको खत्म करने का फैसला लिया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए धान का समर्थन मूल्य कितना रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, ऑप्शन है 65 रुपये, ऑप्शन है 75 रुपये, ऑप्शन सी है 100 रुपये या फिर ऑप्शन डी है 150 रुपये। तो बात किया गया है खरीफ वर्ष 2019-20 की, धान पे कितने रुपए का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 65 रुपये। ठीक है, 65 रुपये का वृद्धि किया गया है, पहले कितना था 1750 रुपये दिया जा रहा था, इसमें 65 रुपये की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया 1815 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर धान खरीदी किया जा रहा है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में यहाँ पर धान खरीदी को लेकर दोनों के बीच में टकराव भी देखा गया था, तो कितने रुपये समर्थन मूल्य केंद्र सरकार खरीद रही है, तो इस बात को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से 3 वर्षीय रोड मैप को फाइनलाइज किया है, जीवन,
2022, उमंग 2022, उत्कर्ष 2022 या फिर उन्नति 2022। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्कर्ष 2022। हाल ही ने आरबीआई ने एक रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप का नाम रखा है उत्कर्ष 2022। ये रोड मैप 3 वर्षों के लिए होगा और इसमें क्या किया जाएगा, आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन में जो कमियां हैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी इस उत्कर्ष 2022 के जरिए। तो याद रखिएगा, आरबीआई की तरफ से जो रोड मैप फाइनलाइज किया गया है आने वाले 3 सालों में आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन में सुधार के लिए, उसका नाम है उत्कर्ष 2022। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2019 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। फोर्ब्स पत्रिका के जो डेटा रिलीज होते हैं हर साल यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, तो फोर्ब्स मैगजीन के जो डेटा होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो खासकर ये कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो इस तरह से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन है आपके सामने जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या फिर मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जेफ बेजोस। 2019 में बिल गेट्स को पछाड़ते हुए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी कुल संपत्ति है $131 अरब की और टॉप 20 में भारत के मुकेश अंबानी भी आते हैं और पूरे विश्व में, और इनकी कुल संपत्ति है $50 अरब की और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति $50 अरब के साथ में मुकेश अंबानी सबसे पहले स्थान पे हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी के बारे में यहाँ सभी प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जारी की है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने एक उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट को जारी किया है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड या फिर पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उस समिति का गठन किया गया था इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया और उस रिकमेंडेशन के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक रिपोर्ट जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी के तरफ से। तो इस बात को भी यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन जारी किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर सेंट्रल बैंक। तो प्रश्न का सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ए जो इसका ऑप्शन है वो सही है। पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन कार लोन जारी किया है, जिसकी मदद से आप अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो SBI से आपको इस ग्रीन कार लोन के जरिए लोन मिल सकता है। और भारत सरकार कौन सी योजना के तहत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फेम इंडिया के तहत में, ठीक है। चलिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मुझे ऐसा उम्मीद है कि प्रश्न पूछा ही जाएगा, वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या पूछा जा रहा है, 8, 10, 12 या फिर 14। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। मैं आपको जवाब बताता हूँ, अभी तक हमने पढ़ा था कितना, कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 8। लेकिन इस 8 में 2 महारत्न कंपनियों की वृद्धि की गई है, तो अब वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 10। तो सबसे पहले ये समझिए कि वो 2 कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने में दे सकता है या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी
यानी कि महारत्न दर्जे प्राप्त वाली कंपनी है, कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि महारत्न कंपनी की संख्या 10 है, लेकिन जो दो नई कंपनी को बढ़ाया गया है वो दो कंपनी कौन सी है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वो दो कंपनी है, पहली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, ये हो गया पहला, और दूसरा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो गई दूसरी कंपनी। अब यहाँ पर समझिए कि जो टोटल 10 महारत्न कंपनी है उसके नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, 4-5 ऑप्शन दिया जा सकता है या सही मिलान जोड़ी वाले प्रश्न दिए जा सकते हैं, तो 10 महारत्न कंपनी के नाम तो खासकर आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो ये 10 कंपनी अब किस प्रकार से है, नाम सुन लीजिए। पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, दूसरा है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है आपका गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंने बताया ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में ऐड किया गया है, तो ये हो गया आपका पांचवा। छठवां है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है आपका NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके अलावा आठवां है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बाद आ जाता है आपका स्टील, नौवां जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, और दसवां है आपका जो दो ऐड हुआ था, कौन सा था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो नए कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो इस तरह से अब वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, और यहाँ पर जो नवरत्न कंपनी 16 हुआ करते थे, अब नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई, 14, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है भारत में, तो ये है आपका 73। तो याद रखिएगा, महारत्न कितने, 10, नवरत्न कितने, 14, और मिनी रत्न कितने, 73। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। इसके बाद हम लोग मिलते हैं 1 जनवरी से लेकर जो आपका 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को छत्तीसगढ़ वाला अपडेट करवाया जा रहा है उसमें, और एक बार फिर से बोल देता हूँ, टेलीग्राम पे जो 50 क्वेश्चन के सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अभी भी वक्त है। और इसके अलावा FTR मेगा टेस्ट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाक से वेबसाइट पर जाएं, या टेलीग्राम में भी लिंक अवेलेबल है, FTR मेगा टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लें। और जो कल लाइव सेशन में आप लोगों से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि जो लोग भी FTR मेगा टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको 16 जनवरी से यहाँ पर आप लोगों को 3000 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है हमारी वेबसाइट पर। तो जो FTR मेगा टेस्ट से रजिस्टर्ड छात्र हैं वही ये छात्र 3000 प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, और 3000 प्रश्नों को 100-100 के सेट में सारे प्रश्न हैं, आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, उस प्रश्न के नीचे में ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको ओवरऑल स्कोर कार्ड भी मिलेगा, आपने कितना सही किया है, आपकी सारे छात्रों के बीच में रैंकिंग क्या है। तो उस 3000 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको FTR मेगा टेस्ट से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और FTR मेगा टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त है, और FTR मेगा टेस्ट भी आप लोगों के लिए एक समझ लो कि सेमीफाइनल के तौर पर है, 2 फरवरी को राज्य स्तरीय, तो उस टेस्ट से जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट के ऊपर में IT हेल्प नंबर मिल जाएगा, एक और नंबर मिल जाएगा, तो उन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।